हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी डियर। आए सभी लोग, संडे की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, जल्दी जल्दी आइए। आदिशानी जी, गुड इवनिंग। सत्यम पाल, गुड इवनिंग। अभय सिंह जी, बहुत बहुत नमस्ते भाई। कृतिका सिंह, खुश रहो बढ़िया। अभिषेक अग्रहरी, वेरी गुड इवनिंग भाई। यस अभय सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग। इंदु कुमारी, गुड इवनिंग भाई। विकिया, पढ़ रही हो? स्मिता यादव, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्मिता यादव, गुड इवनिंग। आदित्य यादव भी, सब बच्चों। स्मिता यादव, आकाश भारती, आदर्श राठौर, बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श सोनी, पवन पाल, हाँ भैया। आदर्श सिंह जी भी, गुड इवनिंग। कमल सिंह, गुड इवनिंग भाई। पवन पाल को भी मेरी गुड इवनिंग। आओ बच्चों, फटाफट जुड़ते जाओ आप लोग। आज नया टॉपिक है और हेलो एल्किन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कुछ रिएक्शंस और पढ़नी है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से निजात पा जाएंगे। जाह्नवी श्रीवास्तव जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। पवन पाल भैया, गुड इवनिंग। अंशिका केशरवानी बिटिया, गुड इवनिंग। यादव जी भाई, गुड इवनिंग। सारे बच्चों को मेरा एक साथ गुड इवनिंग। बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ, तुम स्टार्ट करें और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आजकल। अभय सिंह, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग। अजय, गुड मॉर्निंग। यश यादव जी, गुड इवनिंग भाई। सुमित मौर्या जी, बिल्कुल एस के। सर आप कैसे हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, यही हूँ ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा खुश रहो। आदर्श भारती, बिल्कुल भाई। हम लोग हेलो एल्केन को पढ़ रहे हैं, लंबा टॉपिक है हेलो एल्केन। कई लेक्चर से हम लोग समेट रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन को तीन जगह डिवाइड किया था। मोनो हैलाइड, सर ऐप दिख नहीं रहा, सर ऐप दिख नहीं रहा है। अभी ठीक हो जाएगा गुड़िया, है ना? सर लोग लगे हैं, आज ऑपरेटर नहीं है, खुद यादव सर देख रहे हैं आज। यस विकास यादव, गुड इवनिंग। अभी शर्मा आप भी आ गए, बहुत अच्छा। पवन पाल, बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद भाई। तो मैं बोल रहा था आपसे कि हेलो एल्केन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हेलो एल्केन में ये हेलो एल्केन तीन तरीके से होगा। हाँ बेटा, या सर आज मैथ की क्लास नहीं चली? हाँ बेटा, आज मैथ की क्लास नहीं है, और अभी मेरी क्लास है, इसके बाद पर प्रवीण सर की भी क्लास है, फिजिक्स की क्लास होगी इसके बाद। तो बिल्कुल यस अक्षय बिंद जी, मैथ का टाइम कब है? बेटा आज मैथ नहीं है, कल आपको सूचना मिल जाएगी भाई, ठीक है? यस अभिषेक अग्रवाल, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ बेटा, अभी ये लोग ठीक कर रहे हैं, आवाज मेरी आ रही होगी। लगे हैं लोग ठीक लगा करने में। आज ऑपरेटर सर नहीं है तो यादव जी जूझ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा आशीर्वाद। तो भैया सुनो, जब तक मैं यही हूँ बेटा, कैमरे के सामने हूँ, पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्मिता यादव बेटा, अभी दिखाई देंगे। यस कृतिका सिंह, यस अभिषेक अग्रहरी। आइए जब तक हम लोग बातें कर लें थोड़ी थोड़ी, और उस हेलो एल्केन के चैप्टर को हम लोगों ने जो शुरू किया है, मीडियम से आगे भी बढ़ गए हैं। तो उस हेलो एल्केन में पहले, हाँ बेटा संदीप बता रहे हैं, पूरा रिवाइज करा रहे हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा क्लियर, ठीक है ना? मेरी फोटो नहीं आ रही होगी अभी, बिल्कुल। अक्षय बिंद सर हम इलाहाबाद से हैं। बेटा अक्षय बिंद आपका बहुत स्वागत है। संदीप जी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, वाकई आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, हमको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी ये लोग ठीक करने में लगे, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना आदित्य सोनी? बिल्कुल, थोड़ी देर वेट करो तो हम दिखाई देने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग लाइक कर दें, बिना देखे ही लाइक कर दें।
आ गया है। हाँ आया है, आ गया है, आ गया है, आया है, बिल्कुल बिल्कुल आ गया है, फोटो मेरी भी आ गई है, ठीक, अब दिखने लगा हूँ। तो जो लोग नए जुड़े हैं अटेंडेंस लगा दें अपनी और कमेंट कर दें, तीसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ लोगों ने कहा भैया आप मऊ से हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल स्वागत है भाई, आप मऊ से हैं और मैं भी समझाऊंगा आपको, शिवम गुप्ता आप आ गई हैं, बिल्कुल गुड, बिल्कुल भाई। तो देखो हाँ बच्चों, हेलो एल्केन का चैप्टर शुरू किया है, उस हेलो एल्केन के चैप्टर में पहले खूब अच्छा अच्छा हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, और मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपको एनसीईआरटी की बुक के नोमेनक्लेचर का होमवर्क धीरे धीरे मैं दूंगा, आप करके आइएगा, जो आपको नहीं आएगा वो आप, सर आप दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों का जो कमेंट आता है उसके सहारे हम आपसे जुड़े रहते हैं। सर वीडियो स्टॉप हो गया है, हाँ बेटा देख रहे हैं, कुछ है प्रॉब्लम? तो डियर उस हेलो एल्केन के चैप्टर में मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, पॉलीहैलाइड, इन सब का नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियों पर खूब काम किया था डियर, आ गया है ना, यस फिगर आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल, लेक्चर रिपीट कर दीजिए अब से कर घरेरी, बिल्कुल वही रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वही बोल रहा हूँ है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, लेक्चर रिपीट किया गया है। तो हेलो एल्केन के चैप्टर में नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग प्रिपरेशन की जो बात कर रहे थे, प्रिपरेशन में भी हमने खूब सारा पढ़ा है, 5 6 7 प्रिपरेशन किए हैं कृतिका सिंह, बहुत बड़ा पढ़ा हमने हेलोजेनेशन, वहां पढ़ी है रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी पढ़ी है ना बच्चों, क्लोरीन की क्रिया ब्रोमीन की करा सकते हैं, फ्लोरीन की क्रिया से एक्सप्लोजन की कंडीशन है, और आएगा वीडियो, अब सर आ गए, ऑपरेटर सर आ गए, वीडियो आएगा, और आयोडीन की क्रिया से बचते हैं, वो क्रिया रिवर्सिबल थी तो एल्काइल आयोडाइड बनाना पहले मुश्किल था डियर, लेकिन उस एल्काइल आयोडाइड बनाने में कृतिका सिंह हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला लिया था, और जब वो मिला लिया था तो वो काम हो गया था डियर, याद आया आपको, ये एल्काइल आयोडाइड हमारा बनने लगा था, ठीक है। फिर दूसरी क्रिया हम लोगों ने ल्यूकास रिजेंट से रिलेटेड पढ़ी थी, जो एसएन रिएक्शन थी, बेटा अभी सही हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बंदी रुक रुक के आ रहा था, सही हो जाएगा, सर आ गए ऑपरेटर सर, और वो ठीक करने में लगे हैं और लगभग ठीक भी हो गया है। तो देखिए बच्चों, इस उस ल्यूकास रिजेंट की क्रिया एसएन की क्रिया थी, उसकी भी बात हमने की थी बच्चों, और फिर एल्कोहल के बाद एल्कीन से दो तरीके से बनाया था ना बच्चों, देखो रिवाइज करा रहे हैं आपको है ना, बाकी हमारी वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल कृतिका सिंह, ल्यूकास रिजेंट एसएन क्रिया थी और वो एसएनएफ क्रिया को हमने वहीं से समझाया था और उसमें अच्छी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। फिर एल्कीन से दो तरीके से बनाए थे, एल्कीन से दो तरीके से बनाने में एक था मार्कोनिकोव रूल, उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ाई है बिटिया लोगों, और दूसरा दूसरा था बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या लिखा संदीप सर आपने, सर लूकास रीजेंट क्या होता है, हाँ बेटा तुम लिख भी नहीं पा रहे हो, अब तुम्हारी क्लास छूट गई, मेरा वीडियो देखेंगे बेटा आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मार्कोनिकोव पढ़ाया था जानवी, फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिकोव पढ़ाया था आपको, फिर चार बहुत अच्छी रिएक्शन आई थी प्रिपरेशन में डियर, नाम लेंगे उनका हम, देखो बोरोडीन हुंसरी कर आई थी एक रिएक्शन, फिर एक रिएक्शन सिमोनिनी रिएक्शन आई थी है ना, और यस आयोडाइड बनाने का, बिल्कुल संदीप आज एसन रिएक्शन से ही हम बताएंगे आपको, आज का टॉपिक ही है बेटा, देखो लिखा है हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉपिक है हेलो एल्केन का, उसी में आएगा बेटा एसएन, बिल्कुल संदीप आज आप एसएन ही पढ़ेंगे हमसे, ठीक है ना, और बहुत अच्छे एसएन पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे, हाँ
आदेशवाणी स्वाड रिएक्शन का नाम आपको याद है, और एक पढ़ाई थी कॉनेंट सिंह क्लस्टर रिएक्शन, ये हमने पढ़ा दी थी। इतने प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे कर लिए, आपने इतने अच्छे कर लिए कि इन पर खूब अच्छा आप रिवाइज करेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी डियर। हम ठीक बोल रहे हैं ना बच्चों? और फिर बच्चों इसके बाद हम आए थे रासायनिक गुणों पर, और रासायनिक गुणों वाला ही टॉपिक चल रहा है डियर। और रासायनिक गुणों में सबसे पहले धातुओं से क्रिया कराइए। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे हमको कमेंट भेजे हैं, खुश रहो यादव जी। फिर उसमें धातुओं से क्रिया कराने पर भी मजा आया हमको, सोडियम धातु से कराई है, जिंक धातु से कराई है, मैग्नीशियम धातु से कराई है। बिल्कुल बिल्कुल पवन पाल, लगे रहो आप लोग, लाइक कर दो और सब लोग कमेंट करो, बहुत अच्छा। आप लोगों के सहयोग से ही वाचिंग भी अच्छा बढ़ जाता है और आप लोग बिल्कुल उससे समझते हैं। और बेटा उस सोडियम में कितने नाम आए थे पता है आप लोगों को? सोडियम से क्रिया कराने पर बिल्कुल बताएंगे बेटा हम आपको, संदीप पूरा समझाएंगे। SN2 कौन से देते हैं, SN1 कैसे देते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये आज तो स्टार्टिंग होगा, आज तो अकेला SN समझेंगे, फिर अगली बार में होगा SN1 SN2, बहुत अच्छा समझा देंगे। आप आंखें बंद करके बता देंगे कि कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा। संदीप जी ये मेरा आपसे वादा है, आज तो नहीं चलेगा, आज तो SN को समझेंगे, पर अगली क्लास में चलेगा SN1 SN2, और आप जरूर उस क्लास को लीजिएगा क्योंकि आज प्रवीण सर की भी क्लास है। बोरोडिन उन्सदीकर, सिमोनिनी स्वाइट, कॉनेंट सिंह क्लिस्टन, बहुत अच्छा बटिया कचका सिंह। फिर सोडियम पर नाम बताओगे आप लोग? सोडियम की क्रिया कराने में तीन नाम आए थे डियर, बोर्ड रिएक्शन, हाँ फिटिग रिएक्शन है ना, बोर्ड फिटिग रिएक्शन, ये सब नाम नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्मिता यादव ने तीनों नाम लिखे हैं। बच्चों जिंक से आ जाओ, जब आप जिंक से क्रिया कर रहे थे तो वहां भी तो नाम आया था जिंक से, और जिंक से क्रिया कराने पर नाम आया था फ्रैंक लैंड रिएक्शन, याद है जानवी जी? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अभी धन्यवाद ना दीजिए, जब आप सीखेंगे अच्छा सीखेंगे तब मैं धन्यवाद आपका लूंगा, ठीक है ना बेटा? बस आज आप जो भी समझाएं उसको समझिए बेटा, बिल्कुल आदिश्यवानी, ठीक है ना? आंखें बंद करके बता देंगे लेंगे सर, बिल्कुल आदिश्यवानी। अगर आंखें बंद करके ना बताएं, लोग आंखें खोल के नहीं बता पाते ना सिखा पाते हैं, और मेरे बच्चे SN1 SN2 को आंखें बंद करके ना बता दें तो आप मुझे गोली मार देना। और बोलो दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगा वैसे सिखाऊंगा आपको शुभम गुप्ता। फ्रैंक लैंड की बात कर लिए, और फिर मैग्नीशियम से आया था ग्रिगनार्ड रीजन, क्या आया था? ग्रिगनार्ड रीजन बच्चों, आया था ना ग्रिगनार्ड रीजन, बहुत अच्छा माय डियर, बहुत अच्छा। और फिर लास्ट में सिल्वर पाउडर लिया था, चांदी का चूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता चला सर, किसके बारे में क्या पता चला? नहीं समझ में आया हमारा विकास यादव, आप क्या बोल रहे हैं बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल पवन पाल, आइए जुड़िएगा, हमने बातें कर ली है। और अब बच्चों आप लोग कुछ छिपा रहे हो हमसे, ऐसी बात मत करो, खुल खुल के बोलो, कुछ छिपा रहे हो आप लोग, कुछ छिपा रहे हो। कृतिका बिटिया, अंशिका केशरवानी, शुभम गुप्ता, विराट पाल, अभिषेक अग्रहरी, वो तो स्टार्ट करूंगा, रुक जाओ पहले संदीप। अभी इन लोगों को एक न्यूमेरिकल बताना है संदीप जी, ये पिछले दो दिनों से नहीं कर पा रहे हैं उसको। चलिए है कोई जिसने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हो? जानवी श्रीवास्तव, बिल्कुल शुभम गुप्ता, होमवर्क का जवाब तो दो गुड़िया। अर्जित पासियत, बिल्कुल होमवर्क का जवाब दो, तीन दिन हो गए हैं, तीन दिन से आप एक न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व कर रहे हैं। खुशी सोनी, सब लोग होमवर्क तो लिख रहे हैं। अभि शर्मा, बिल्कुल बहुत अच्छा, आ जाए बिल्कुल होमवर्क। अब बताएं हमको किसी ने मेरा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, और किया है तो जवाब कौन देगा? जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा, तीन दिन आपने खर्च करा लिए हैं तो बताओ हमको। ईथेन बोला आदिश्योनी ने, ईथेन 1,2-diol पर बेटा कैसे होगा सोडा नाम डियर? ना आदिश्योनी, कल भी मैं ही बात कर रहा था, कोई नहीं कर पाया है न्यूमेरिकल सॉल्व, ईमानदारी से बताओ इंदु कुमारी, कोई नहीं कर पाया है मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व, गलत बात है बच्चों। कोई हो जो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हो तो मैं अपनी तरफ से
उसके ऐप का पूरा पैसा अपनी जेब से दे दूंगा, ये अनाउंसमेंट है मेरा। अपनी जेब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा पैसा अगर उसने ऐप नहीं खरीदा है तो मैं दे दूंगा अपनी जेब से, पर मुझे बताया जाए कि वो क्या है। ना शिवम गुप्ता, तुम कल भी यही कह रही थी। बिल्कुल नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। इथेनॉल क्लोराइड तो एसिड क्लोराइड होता है। बिल्कुल आदिश्योनी, अब मैं बोल रहा हूं कि आप लोग नहीं कर पाए हैं। सर प्लीज क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड पर लिखिए, मैं सॉल्व करूंगा। संदीप आप बहुत अच्छा, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना साहस है बेटा, लेकिन 3 दिन से चल रहा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पर बेटा देखें जवाब आ रहा है हमारे पास। यस कोमल सिंह इज विनर। यस यस यस, मैं देख लूं, पहले देख लूं, देख लूं, देख लूं। यस कोमल सिंह इज विनर, कोमल सिंह इज विनर, कोमल सिंह इज विनर। सर कोमल सिंह विनर है, सर सर कोमल सिंह विनर है, सर बधाई हो कोमल सिंह, बढ़िया बधाई हो कोमल सिंह, ये बिटिया है, बधाई हो कोमल सिंह, जियो मेरी बिटिया, जियो मेरी बिटिया, जियो मेरी बिटिया, मजा आ गया। यस कोमल सिंह, बहुत अच्छा डियर, बहुत अच्छा गुड़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, बहुत बहुत आशीर्वाद कोमल सिंह, तुम विनर हो। और अगर तुम्हारा ऐप तो आपने खरीदा है तो मैं सर से निवेदन करूंगा, सर इसकी फीस जरूर माफ कर दी जाए, वरना मैं दूंगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा किया कोमल सिंह आपने, हमारे पुराने बच्चे धोखा खा गए हैं। हमने कक्षा 11 में भी ही न्यूमेरिकल पूछा था, उस दिन वो शिवम गुप्ता नहीं आई थी। शिवम गुप्ता में इतना ध्यान रखते, उस दिन तुम नहीं आई थी, तुम कहीं गई थी। और आज मेरा फर्स्ट है संदीप आपकी क्लास में, बिल्कुल। तो देखो बच्चों, किसका सोनी देखो, कोमल सिंह जीत गई है डियर। देखे इथेन लेना था आपको, आपका ए सही था, पुट रिएक्शन से बनाया जा सकता था, री मीथेन भी सही था आदिश्वानी आपका, ठीक है ना, ये बुर्ज रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। हमने संदीप न्यूमेरिकल दिया था कि 2 हाइड्रोकार्बन है, एक ए और एक बी, ए को बुर्ज रिएक्शन से बनाया जा सकता है और बी को बुर्ज रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। इन लोगों ने इतना तो सॉल्व कर लिया था संदीप, लेकिन संदीप जी आपने पूछा सर बताइए, मैं बताता। और कोमल बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, बधाई हो कोमल, बधाई हो कोमल, बहुत अच्छा बचिंग आप बढ़ा रहे हैं, अटेंडेंस लगी है, 50 जरूर होगी, बिल्कुल। सर हम पुरानी स्टूडेंट है, हाँ कोमल देखा, आपके साथ कोमल सिंह बहुत पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन गधों को अकल नहीं है, ये लोग तो बस आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। और कोमल सिंह आपको मेरी पुरानी लेक्चर से हेल्प मिली होगी, बहुत बहुत बधाई कोमल सिंह, बहुत अच्छा गुड़िया, मैं बहुत खुश हूँ कृतिका सिंह आप, कोमल सिंह आपसे बिटिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगी, मेरा आशीर्वाद है। अब आओ बच्चों, आप लोग परेशान रहे 2 दिन, फिर कहा था कि इस पर कराइए क्लोरीनेशन, Cl2 से हीट कराइए, तो कृतिका बिटिया समझ लो कोई बात नहीं, पहले कहा था एक्स बनेगा, फिर कहा था इसका कराओ इक्वस्क्यूएच, भैया लोगो यही था ना, तो वाई बनेगा बच्चों, ठीक। फिर कहा था कि वाई का सोडा लाइम कर दो, और वाई का सोडा लाइम कर देंगे आज सोनी बेटा समझो, तो ये मीथेन बनेगा। पीए क्लासेस वालों होश में आ जाओ, तुम लोगों को भी ये न्यूमेरिकल हमने कक्षा 11 में कराया था, लेकिन तुम लोग तो दुष्ट हो ना, बिल्कुल दुष्ट हो विकास यादव। सर नहीं भी नहीं, नहीं आई थी, अब तुम आई थी खुशी सोनी के, नहीं आई थी शिवम गुप्ता का तो मुझे याद है कि शिवम गुप्ता उन दिनों 4 दिन लगातार नहीं आई थी जब हमने एलोजन पढ़ाया था। कोई बात नहीं डियर, अब आओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी कमेंट्स, कोमल जी शायद मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, बिल्कुल संदीप आप मेरे और बच्चों के साथ की तरह ही बनेंगे। तो अब देखो, देखे कृतिका बेटी आदिश्योनी जवाब देखो, यहाँ सस्पेंस ये था, देखना आपको कहां से पकड़ना था इसको। भैया लोगो वाई तो कन्फर्म है कि जब तक एसिटिक एसिड नहीं होगा, बच्चों कृतिका सिंह जब तक एसिटिक एसिड नहीं होगा तब तक मीथेन बन ही नहीं सकता है, तो वाई भी आप सही बोल दिए थे। लेकिन आप एक्स से
शुभम गुप्ता, वाई का रिलेशन नहीं दे पा रहे थे आप लोग, क्योंकि एक्स आप पहचान ही नहीं पाए थे। आप लोग एक्स को, बच्चों समझ लो सब लोग, आप लोग एक्स को या तो इथाइल क्लोराइड मान रहे थे, या कुछ लोग एक्स को ये मान रहे थे CH2Cl CH2Cl। जब आप ये मान रहे थे, या तो ये मान रहे थे एक्स को या ये मान रहे थे आप, तो भैया सोचो इन दोनों के लेने से और इक्वस क्योज कराने से कृत का बिटिया एसिडिक एसिड तो कभी नहीं आएगा। इस पर कराओगे इक्वस क्योज तो एथाइल एल्कोहल बनता संदीप, वो एसिडिक एसिड ना होता। इस पर करा रही थी सुगमता तो इथेन मल टू डाइल बन रहा था। तो फिर सर हम करते क्या, हम तो यहीं फंसे रहे सर, 3 दिन तक हम यहीं फंसे रहे विमल यादव, है ना आपसे गग्रहरी? बिल्कुल 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 सत्यम क्लासेस से हैं आप, बहुत अच्छी बात है आपसे गग्रहरी, जहां से भी हो आप। लेकिन माई डियर इस एक्स ने आपको बर्बाद कर दिया है, इस एक्स को नहीं सोच पाए आप। अगर आप एक्स को सोच लेते जो कोमल सिंह ने सोच लिया है और बहुत अच्छा सम्मान पाया है बिटिया ने, देखें गटका शिवम गुप्ता, देखें संदीप जी आप नए स्टूडेंट हैं, देखें अगर आप एक्स को ये सोच लेते तो मजा आ जाता, है ना, मजा आ जाता, मैं हार जाता, आपकी जीत होती और मेरी हार और आपकी जीत में मेरी जीत होती। मैं अक्सर बोलता हूं इस बात को। तो देखो क्या सोचना था आपको यहां पर, किटका बिटिया समझ में आया? ये सोचना था शुभम गुप्ता, एक कार्बन के 3 CL हटा देते आप, 3 हाइड्रोजन हटा देते, 3 अणु ले लेते, यही सस्पेंस था, यही राज था। हमने 3 अणु नहीं लिखे थे, जानबूझ के नहीं लिखे थे कि जब इतना लिख दिया है तो आप इससे मैच कैसे कराओगे। तो इससे ये बनता बिटिया किटका, समझो। फिर आप कराते क्वेश क्यों 3 अणु यहां भी लेने होते तो 3 OCLOH में बदलते कृत का, और 3 OCLOH में बदलते, आप सब लोगों को पता है सेम कार्बन पर, संदीप जी सेम कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH नहीं ठहरते हैं बेटा, वाटर का अणु अलग हो जाता है, ये अनस्टेबल होता है। जैसे ही वाटर का अणु अलग होगा डियर, तो CH3COH हो जाएगा, यही बनेगा। ये सस्पेंस था, एक्स ने आपको बर्बाद कर दिया, और जब एक्स ने आपको बर्बाद कर दिया तो उसी में फंस गए राजेंद्र पाल। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट क्यों कर रहे हो राजेंद्र पाल डियर? अभी तो आप क्लास ले रहे होंगे, भूल गए, सोते रहते हो राजेंद्र पाल जी क्या? ना बेटा, गुड इवनिंग करो और पढ़ो, आज एसिड रिएक्शन की शुरुआत होगी। गलती हो गई कटका सिंह, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी लोग क्लास पर ध्यान दें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक अग्रहरी सर, मैं नहीं हूं, ठीक ठीक, जो भी हो बेटा, शायद कोई कुछ आ रहा था, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूं आपको, बिल्कुल अभिषेक अग्रहरी, बिल्कुल बिल्कुल भैया लोगों, बिल्कुल ध्यान ध्यान क्लास पर ध्यान दें, बातचीत खूब हो गई है बच्चों, सबको न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आदित्य सोनी, कृतिका सिंह, शुभम गुप्ता आप संतुष्ट है ना, प्रदीप यादव आप संतुष्ट है, अभिषेक अग्रहरी आप संतुष्ट है, अरजीत पास संतुष्ट है आप? बिल्कुल बिल्कुल, एक्स पर ध्यान नहीं दिए भाई पाए। हाँ कृतिका सिंह, पूरा अपराधी एक्स था, एक्स को पकड़ना था, आपने ए को पकड़ लिया था, आपने बी को पकड़ लिया था, आपने वाई को पकड़ लिया था, पर एक्स ने पूरा मामला घुमा दिया था, और एक्स को आप सही, उस मूल्यम को सही पकड़ लेते, उस अपराधी को सही पकड़ लेते, तो आपकी CBI जांच बिल्कुल सही होती, कोर्ट उसको मान लेता, और उस एक्स को आप सही नहीं पकड़े, इस वजह से आपको ये परेशानी हुई है ना आपसे अग्रहरी। संजीव कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम, नेट की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक हो जाएगी, देखिएगा। आइए बच्चों, बिल्कुल स्मिता यादव, सावधानी हटी दुर्घटना हटी, तो हमने थोड़ी हटाई सावधानी, आप लोगों ने हटाई है। आओ डियर, तब पर आते हैं बच्चों, लिखिए आप हेडिंग, आप संदीप जी हेडिंग लिखे, समझे संदीप जी? एल्कोहलाइड की अब हमें पढ़नी है SN रिएक्शन, जो हमने हेडिंग डाल रखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज के टॉपिक में ये पढ़ाएंगे, और अगली क्लास में बहुत लंबी क्लास लेंगे 2 घंटे की, और उसमें SN1 SN2 को देखना बताएंगे, आंखें बंद करके बताएंगे आप लोग, ऐसा कुछ प्रोग्राम आगे होगा, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर ली जाए।
ये सारा खेल मैं आपको समझाने जा रहा हूं डियर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हेडिंग लिख लें एल्कलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये हेडिंग लिखनी है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। संदीप जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हिंदी होती है प्रतिस्थापन क्रियाएं, और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रतिस्थापन कई अलग अलग प्रकार से होता है एकृत का। कौन कौन सा प्रतिस्थापन? एक होता है एक प्रतिस्थापन होता है इलेक्ट्रोफिल से, एक होता है फ्री रेडिकल से, और एक होता है न्यूक्लियोफिल से। आप समझते हो इस बात को? ये जो प्रतिस्थापन हम पढ़ रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, दूसरी हेडिंग लिख लो, ये सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बहुत आराम आराम से पढ़ो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है डियर, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। किसका भैया लोगो? हेलो एल्केन का। आदिशोनी जी ध्यान देना, चैप्टर हेलो एल्केन का है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और हेलो एल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन से लेते हैं एस और न्यूक्लियोफिल से लेते हैं एन, इसी कारण से इन्हीं क्रियाओं को हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी चाहे प्रतिस्थापन क्रियाएं कहें, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहें, या इन्हीं को हम एसन कहें। संदीप जी समझिएगा, एस बिलोंग करता है सब्स्टिट्यूशन को, एन बिलोंग करता है न्यूक्लियोफाइल को, तो पूरी क्रियाओं को बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या बोला जाएगा जानवी एसन रिएक्शन। आओ बच्चों रिवाइज करो। इसकी शुरुआत तो हमने लूकास रीजेंट से ही कर दी थी मेरे प्यारे बच्चों, याद आ रहा ना? कैसे? जब आप एल्कोहल पर थे, कृत का आदिशोनी समझिए, बहुत बेस्ट लेक्चर है आज का, और हम एससीएल की क्रिया कराते थे, तो हमने कहा था कि एल्कोहल पर एससीएल की क्रिया नहीं हो सकती है। क्यों? ये निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है कृत का, और सीएल आने वाला न्यूक्लियोफाइल था, याद आया ना? क्या शर्त थी? कि निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कमजोर होना चाहिए और आने वाला मजबूत होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। यहां उल्टा है, ये मजबूत न्यूक्लियोफाइल है और ये कमजोर है, ये क्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लूकास ने इस क्रिया में जिंक क्लोराइड के साथ गर्म कराया था डियर, तो ये काम संभव हो गया था। ये बात, ये चर्चा हम आपको अल्कोहल में जो एसन रिएक्शन शुरू करी थी उस दिन बताई थी, आपको याद करा रहा हूं। तब एक क्रिया हो गई थी, वाटर अलग हो गया था डियर, एच यहां से ओ एच यहां से, और हैलाइड बन गया था, इस कारण से ये एसन रिएक्शन थी। ये तो आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और एसन रिएक्शन में क्या परिभाषा आई थी? इसमें परिभाषा यहीं से आ गई थी, किनको बोलते हैं एसन रिएक्शन? याद है? फिर से बोल रहा हूं डियर, कि जब रिएक्टेंट, जो कोई रिएक्टेंट है, कि जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से विस्थापित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अभिक्रिया कहा जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। आपको हमने एल्कोहल पर लूकास रीजेंट की क्रिया कराते समय ये परिभाषा लिखाई थी। बच्चों कमेंट करो, लिखाई थी ना? बिल्कुल लिखाई होगी, बिल्कुल जानवी, है ना? वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। वीक कौन सा होना चाहिए? निकलने वाला, ये निकल रहा है, और स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए? आने वाला, ऐसा नहीं है, इसलिए कैटलिस्ट का प्रयोग किया था हमने, ठीक है ना? ये तो एल्कोहल का एसन रिएक्शन था, लेकिन हमें एल्कोहल का नहीं पढ़ना है आज, वो तो एल्कोहल से बनाया था, हैलाइड बनाया था, हमें तो आज हेलो एल्केन का पढ़ना है। और हेलो एल्केन में हेलोजन होंगे, हैलाइड होंगे, और हैलाइड वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए हेलो एल्केन की एसन क्रियाओं में
बहुत मुश्किल नहीं है, वो गंगा उल्टी नहीं बहेगी, वो गंगा सीधी बहेगी। और सीधी गंगा को हम कई तरीके से बहाएंगे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपको सीखनी होंगी और पूरा जबरदस्त तैयार करना होगा। तो हम प्रतिस्थापन की न्याय बढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एस एन, एस बिलोंग करेगा सब्स्टिट्यूशन को, एन बिलोंग करेगा न्यूक्लियोफाइल को। तो सबसे पहले एक लाइन में लिख लिया जाए, एस एन रिएक्शन किनको बोलते हैं, लिख पाओगे? मैं बोलता हूं, चाहे लिखे दे रहा हूं, लिखे आप कि जब, लिख लें जल्दी से, नए बच्चे हैं कुछ, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल, जब रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से, रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल से विस्थापित, प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है, तो उन क्रियाओं को सरल, हमने पहले भी लिखाया था, उन क्रियाओं को एस एन क्रियाएं कहा जाता है, एस एन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? कोई पूछे बोर्ड में एक नंबर में, क्या होती है एस एन रिएक्शन? सर ये होती है, एक दो लाइन की परिभाषा है। बच्चों लोग कमेंट करो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है डियर? सब लोग प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम बेस बना चुके हैं, माहौल बना लिए हैं, अब पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एस एन रिएक्शन के, उन एस एन रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम लोग बोर्ड पर तैयार करेंगे। फिर वो एस एन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद डियर दो भागों में बांटे जाएंगे आगे, जिनमें से एक होगा एस एन वन और एक होगा एस एन टू, उनको पहचानना सीखेंगे डियर। फिर उनकी मैकेनिज्म सीखेंगे एस एन वन की, एस एन टू की, फिर उनके रेट सीखेंगे कि किसमें ज्यादा एस एन वन है, कौन अच्छा एस एन वन देगा, कौन अच्छा एस एन टू देगा। ये सारी बातें हमारी सिलेबस के अंदर बिल्कुल भरी पड़ी हैं। बिल्कुल संदीप जी, बहुत सरल सी परिभाषा है, ठीक। अब देखें आप एग्जाम्पल देख लें, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे डियर यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक लंबा चार्ट हम बनाएंगे आपके लिए, उस चार्ट को आप लिख लीजिएगा, उससे रिवाइज किया करो, ठीक है ना। फिर उनको दो भागों में बांटा जाएगा, एस एन वन और एस एन टू। भैया लोगों एक चीज और समझ लो, ठीक है ना, हल्की सी चीज, वो भी है, पुराने बच्चों को हमने समझा दी थी, हल्का सा एक मिनट का समय लगेगा, वो भी आप समझ लो। देखो बच्चों होगा क्या, इस पूरी प्रोग्राम में जो क्रियाओं की टाइप होगी, संदीप जी, अभिषेक, अग्रहरी जी भी, सारे प्यारे प्यारे बच्चों, इन सब में होगा क्या कि हमारा कंपाउंड होगा एल्काइल हैलाइड। गौर से देखना, बहुत अच्छे से देखना, हम किसी रिएजेंट की क्रिया कराएंगे, किसी रिएजेंट की। संदीप जी बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा, किसी रिएजेंट की क्रिया कराएंगे, होगा हर जगह एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमें हेलो एल्केन का एसएन रिएक्शन सीखना है। अब होगा ये कि एल्काइल तो हमेशा आर एक्स रहेगा, वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो रिएजेंट आएगा, चाहे जैसा रिएजेंट हो, वो बहुत तरह के रिएजेंट आएंगे डियर, उस रिएजेंट में हमें न्यूक्लियोफाइल को पहचानना होगा, हम पहचानवाएंगे आपसे। रिएजेंट में कुछ भी होगा, बहुत बड़ा बड़ा रिएजेंट होगा, लेकिन हमें पहचानना सीखना है न्यूक्लियोफाइल, वो हम पहचान लेंगे, पता लग जाएगा आपको, हम सिखाएंगे कि कैसे देखेंगे आप इस रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल कहाँ है। ध्यान से सुनना, हेलो एल्केन आपको मिलेगा, क्रियाएं कराएंगे ऐसे रिएजेंट की जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी होगा, तो आप ये देखेंगे संदीप जी, ये भी एक्स भी न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्टेंट की हिंदी होती है अभिकारक, और वो अभिकर्मक का रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल। तो होगा ये भैया लोगों कि ये हट जाएगा,
और इसको हटा देगा रीजेंट का न्यूक्लोफाइल, ठीक है ना? ये तो जानते हो आप लोग, ये हटने वाला न्यूक्लोफाइल है और ये आने वाला न्यूक्लोफाइल है, इसकी जगह रीजेंट का आ जाएगा। तो जो हटने वाला है डियर, हमने उसको क्या बोला था, अंग्रेजी में बोले दे रहा हूं, लीविंग, लो लीविंग न्यूक्लोफाइल। आज से आप अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, हैलाइड पोर्शन होगा लीविंग न्यूक्लोफाइल, और जो रीजेंट का न्यूक्लोफाइल होगा डियर वो होगा कमिंग न्यूक्लोफाइल। ये दो शब्द मैं अक्सर बोलूंगा, रिएक्शन में आएंगे। होगा क्या रिएक्शन में, एक्स हट जाएगा, आर अपनी जगह रहेगा, ये हटेगा और रीजेंट का न्यूक्लोफाइल आ जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, यही खेल होगा। बराबर बराबर, आप उसको अच्छे से समझ लें। मैं हर रिएक्शन में पूछूंगा कि बताओ लीविंग न्यूक्लोफाइल कौन है और कमिंग न्यूक्लोफाइल कौन है, बिल्कुल आपको बताना होगा। और बोर्ड में ऐसा प्रश्न भी आ रहा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि लीविंग बताओ कमिंग बताओ, तो इन सबको आपको हमारे साथ तैयार करना होगा। पहले एसएन का मजा ले रहे हैं, फिर एसएन को दो जगह बांट देंगे, पहले एसएन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे ढेर सारे, फिर एसएन1 और एसएन2 की ओर भागेंगे, उनको पहचानेंगे। बड़ी मस्त चीजें हैं इसके अंदर दो डियर, ठीक है ना? पूरी क्रिया का स्वरूप ऐसा ही चलेगा डियर। संदीप जी, सत्यम भाई, राहुल पाल जी, बिल्कुल 50 लाइक आपने किया है डियर, आप सब लोग मुझे 50 के ग्रुप में ला दिए हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना अभिषेक अग्रहरी, बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को दिमाग में भर लो, सरल सरल चीजें हैं सर। एक होता है लीविंग, एक होता है कमिंग। लीविंग हमेशा संदीप जी हैलाइड होगा, कमिंग हम देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि कमिंग न्यूक्लोफाइल क्या होता है। कृतिका सिंह, कृतिका सिंह, बिल्कुल कृतिका सिंह, आप सभी लोगों को धन्यवाद डियर, है ना? यस यस, बच्चों आगे देखो, हो गया नोट? बिल्कुल कृतिका सिंह, देखें जरा। अब बच्चों एल्कलाइड है, किसी की क्रिया कराएंगे तो अब नजर भर के देखिएगा आप लोग, हम लंबा सा एक चार्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और अपना रिवीजन आप इसी चार्ट के माध्यम से करेंगे। जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, फिर होमवर्क में हम पार्टिकुलर एग्जाम्पल दे देंगे। अब एक एक रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों बहुत गौर से समझना है, एक एक चीज को बहुत गौर से समझना है। कम से कम 12-13 रिएक्शन होंगी एसएन रिएक्शन की, 12 से कम नहीं पढ़ाऊंगा उनकी एग्जाम्पल एसएन की, ठीक है ना? फिर बाद में होगा एसएन1 और एसएन2। तो भैया लोगों, कुछ रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, कुछ आज आप नहीं पढ़ोगे। आर एक्स हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया डियर। संदीप जी देखिए, समझिए, लिखिए, हमारे साथ लिखिए। हाँ प्रदीप जी, सर जिसको हटाएंगे वो लेस होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए न्यूक्लोफाइल, और जिसको हम लाएंगे उसको मजबूत होना चाहिए। मजबूत सीधा सीधा नियम है, मजबूत ही कमजोर को हटा सकता है, कमजोर मजबूत को नहीं हटा सकता है। राहुल पाल, क्लियर है ना बेटा? सर मैराथन क्लास जरूर जरूरी है सर, प्लीज कीजिए मैराथन। बिल्कुल राहुल पाल, मैराथन भी करूंगा, बिल्कुल पहले मैराथन एसएन1 एसएन2 की करूंगा, 2-2.5 घंटे 3 घंटे खूब डुबकी लगाएंगे, बहुत कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल करेंगे एसएन1 एसएन2 के। मैं लिखूंगा आप पहचानना कि सर ये एसएन1 होगा, सर ये एसएन2 होगा, ठीक है ना? बिल्कुल करूंगा ऐसा। अब आओ पहले एग्जाम्पल देख लो एसएन रिएक्शन के। तो देखो नंबर एक मैं बना रहा हूं यहीं से, अगर ना दिखाई दे तो बताइए, बोर्ड एडजस्ट करा देंगे। इक्वस क्यों की क्रिया करी थी ना आप लोगों ने मास्टर रिएक्शन में, बोलो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी डियर, बताओ क्या बनेगा? अरे पढ़ा है आपने, बोल नहीं पा रहे हो। यहां से एक्स निकलेगा, यहां से के निकलेगा, ये कम मात्रा का प्रोडक्ट है, के एक्स अलग हो जाएगा डियर, है ना? आर अपनी जगह है, एक्स हट गया, क्यों हट गया एक्स? सर ओ एच आ रहा है, अब एक्स से ज्यादा मजबूत है ओ एच, रिएक्शन सीधी सीधी है, के एक्स अलग होगा, आर ओ एच बन जाएगा डियर, और आर ओ एच होगा एल्काइल एल्कोहल,
और ये किसका एग्जाम्पल है डियर, ये एसएन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बच्चों समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना। पहली एसएन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने इक्वस क्लोज करा के दिया है और संदीप जी अल्कोहल बनाए। जिस किसी को भी दिक्कत हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कोई अलग से क्वेश्चन करना हो, जरूर पूछिए। मेरे पास अभी तक अच्छा क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा है, बहुत दिनों से मैं तरस रहा हूं कि कोई अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछे, हमसे बात करे, हमको परेशान करे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है डियर। बिल्कुल बना। अब कितका सोनी थोड़ा सा बात कर लो बिटिया हमसे। जैसे इसी रिएक्शन में कोई पूछे कि बताओ सर इसमें लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस क्रिया में लिविंग कौन है, तो बता पाओगे? पता आप लोग क्या बताओगे? कृतिका बताए, आपकी गलती बताए, आप लोग क्या बताओगे? आप कहोगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल संदीप एक्स है। हम पूछेंगे कमिंग कौन है, तो आप कह दोगे ओएच। ये बहुत बड़ी गलती है डियर, ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया ही नहीं है। एक्स है, न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब उस पर ऋणा बेस होगा। ओएच न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब ओएच पर ऋणा बेस होगा। कृतिका जी, आदि सोनी जी, इस गलती से बचिएगा। कभी कभी हमारे कुछ अच्छे बच्चे भी गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। देखो देखो हमारे आदर्श सिंह ने गलती करी है ना बेटा, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स थोड़ी न्यूक्लियोफाइल है। जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल होगा ही नहीं, इसलिए बच्चे बोर्ड में बिना नेगेटिव चार्ज के लिखाते हैं और फिर रोते हैं कि सर हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। इस चीज से भी बचनी है डियर। सिंबल बनाइए, बिल्कुल बनाइए सिंबल। एसएन वन एसएन टू में डिफरेंट बताएं सर? बहुत डिफरेंट है बेटा, इतने डिफरेंट है कि आप दसों डिफरेंस सीखेंगे, लेकिन अभी ना छेड़ो। एसएन वन शुभम यादव फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और एसएन टू सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है डियर, ठीक। जब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है एसएन सब बताएंगे आपको, आप बिल्कुल परेशान मत हो शुभम यादव, डिफरेंट बहुत है, दसों डिफरेंट हम दसों बताएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल शिवम। लेकिन अभी एसएन वन एसएन टू पर बिल्कुल मत जाओ, आप एसएन पर आओ पहले, पर इसको समझ लो, पर हम बताएंगे ना एसएन वन, बिल्कुल बिल्कुल शिवम। क्या लिखा हुआ है संदीप ने सर? एच पर पॉजिटिव चार्ज तथा, किस पर लिख रहे हो संदीप जी? एच पर पॉजिटिव चार्ज तथा क्यों होता? अरे एच पर पॉजिटिव चार्ज होना और निगेटिव चार्ज होना बहुत सरल है। अरे भाई एच आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है डियर, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्राइड बन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका स्थायी विन्यास दो इलेक्ट्रॉन में पूरा हो जाता है। और यही एच अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा, नहीं लेगा, तो एच पर धनावेश आ जाएगा। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप चीज है, सरल सी चीज है, ठीक है ना। इसीलिए एच पर पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है और एच पर नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। संदीप बात समझ में आई? एच की आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं, इस कारण से नेगेटिव चार्ज नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। कृतिका सिंह ये समझ लो, एक बार बाहेबा में एक एग्जामिनर आया, 100 बच्चों का उसने बाहेबा लिया, 100 बच्चों का मैं देख रहा था, और उसने पूछा आपने एसएन रिएक्शन पढ़ी? बच्चों ने कहा सर पढ़ी हमने, तो उन्होंने यही एग्जाम्पल लिख दिया था कि अल्कलालाइट पर इक्वस क्लोज करेंगे ये बनेगा, बताओ इसमें से लिखो, एक वो पेज लिए थे कि लिखो इसमें लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और कमिंग कौन सा है। अब सारे लोग परेशान, सब यही लिख के आ रहे थे कि सर लिविंग एक्स है और सर कमिंग ओएच है, और वो जैसे सुनता था तो वो एग्जामिनर कहता था जाओ तुमको कुछ नहीं आता है, जाओ तुमको कुछ नहीं आता है, बड़ा परेशान। सब बच्चे मुंह बनाए, अब वहां के टीचर को बुलाया गया, वो बच्चे कहे कि सर ये तो सबको परेशान कर रहे हैं, सर क्या पूछ रहे हैं, बराबर 100 बच्चों से एक ही प्रश्न पूछते जा रहे हैं। वो सर जी आए तो सर कह रहे हमें तो सही लग रहा, यही तो होता है लीविंग, यही तो होता है कमिंग। तो हमने कहा बढ़िया है सर जी, आप अपने एग्जामिनर की गलती नहीं समझ पा रहे, वो पूछने क्या चाह रहा है। तो हमने कहा ले ले ये चार्ज लगा दो, ले ये चार्ज देखना चाह रहा था वो एग्जामिनर कि आप न्यूक्लियोफाइल को जानते भी हो कि तुक्का मार रहे हो। जब तक निगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, और एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी ने कॉलम बनाया है और बिल्कुल सही लिखा है,
पिछले कृत का द्वितीया सही पढ़ना है। बिल्कुल सत्यम पाल, ये बात फिर से बताएं, अब नहीं बता रहे बार बार, तुम लोग बात को 10-10 बार पूछते हो, वीडियो में देखिएगा डियर, सरल सी चीज है। बिल्कुल आदेश सोनी, क्लियर हो गया है? हम तो लगाएंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल फिर हो गई नहीं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है कृतिका सिंह, बिल्कुल चार्ज लगाना होगा, बिल्कुल गलती नहीं करनी होगी, ओज पर निगेटिव होगा। शुभम यादव, कृतिका सिंह बिल्कुल, अब आ गया, अब देखते जाओ, रिएक्शनों की भरमार होने वाली है आज। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कि अल्कोहल बना है, चार्ट को जैसे हम बनाए वैसे आप बनाइएगा, ठीक। हम यहाँ साइड से पूछते रहेंगे, बताओ क्या है कमिंग न्यूक्लियोफाइल, क्या है लीविंग न्यूक्लियोफाइल, तो जवाब देते जाना बच्चों। दूसरी रिएक्शन भी इसको नंबर 1 डाल दिया हमने, नंबर से लिखते जाओ, दिखाई दे रहा है ना। नंबर दूसरा, इक्वस एनओएच की क्रिया करा दो, नहीं करा पाओगे क्या? अरे जैसा इक्वस के ओज कृतिका, ऐसी इक्वस एनओएच भाई हो, है ना, इक्वस एनओएच की भी क्रिया करा दो, लाल मार्कर, इक्वस एनओएच की क्रिया करा दो, क्या सर ये निकल जाएगा, ये आएगा माइनर प्रोडक्ट होगा एनएच, भैया लोगों संदीप समझना बेटा, और आर पर ओएच आ जाएगा, तो भैया लोगों लीविंग न्यूक्लियोफाइल पर वही है एक्स, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर कॉमन सेंस में आ जाता है, और यहां बनेगा आर ओएच। क्लियर है? ये भी हो गया। तीसरा देखो बच्चों, एसएन रिएक्शन ये भी है, एसएन ये भी है, तीसरा देखो बच्चों, नई चीज दे रहा हूं बच्चों, संदीप जी सीखे और नहीं पढ़ाते लोग इस चीज को, मैं पढ़ा रहा हूं, सीखो। सोडियम कार्बोनेट लिया जाए, शुभम यादव, जानवी जी, सोडियम कार्बोनेट लिया जाए और संग में मिला लिया जाए पानी, है ना, कृतिका को संभल के देखिएगा, ये भी ले लिया जाए, ये भी ले लिया जाए, आप डर जाओगे, सर ये कहा है, कहा बनेगा, कुछ नहीं है बिटिया, ये समझो यहां पर संदीप जी, Na2CO3 प्लस वाटर, वो परेशान करने के लिए देते हैं आपको, देखना कृतिका बिटिया, दोनों की लड़ाई होगी तो क्या होगा, दोनों Na दो है ना, 3 और 4 ऑक्सीजन है, 2 Na 2 यहां से ले लो, देखो तो 2 Na ये ले लिए, एक को यहां से, चाहे दोनों यहां से ले लो, यहीं से ले लो, एक एक को 2 O, एच कितने हैं बच्चों लोगों, एच 2 है, तो ट्वाइस एनओएच बना देगा, अब क्या बचा, बचा है कितने, 4 थे ना ऑक्सीजन, 2 चले गए प्लस CO2 बची, यानी सोडियम कार्बोनेट और वाटर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वो तो काल के बराबर हो गया NOH के बराबर। संदीप जी, कृतिका जी, आंखें खोलो, और NOH की क्रिया तो हम पढ़ के आए, क्या बनाया था उन्होंने, अल्कोहल। तो अगर ये भी लिखा हो आपको परेशान करने के लिए, कहेंगे बताओ कहा बनेगा, कहा बनेगा, अरे सर आप बदमाश हो, हम बहुत बदमाश, तुम दुष्ट हो सर, हम बहुत दुष्ट हैं, क्यों सर, हम समझ गए वो NOH के बराबर है, और NOH के बराबर तो सर हमको चकमा मत दीजिए, हमको जाल में मत फंसाइए, सर ये ROH ये भी बनेगा, और ये भी SN क्रिया होगी, रिएक्शन को लॉन कर बताएं। संदीप जी नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्या बोला है आपने संदीप जी, रिएक्शन को खोल कर बताएं, 3 कर बताएं, बेटा संदीप तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा मेरी समझ में, कोई परेशानी हो समझ में ना आई बात तो दोबारा समझ लो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ऐसे रिएक्शन हो रही है, इन तीनों में कृतिका बिटिया अल्कोहल बन रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जानवी श्रीवास्तव बोल रही है, सर BSc की बुक में था, हाँ जानवी जी, BSc की बुक में नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में होगा, चाहे BSc हो, चाहे 12th हो, चाहे कक्षा 11 हो,
आपके एनसीआईटी ने यह भी लिखा है जानवी, हम दिखाएंगे एनसीआईटी लिखा है। और लोगों को आदत है एक क्वेश्चन क्यूएच की, एक क्वेश्चन एनओएच की, परेशान हो जाते हैं, दो तो याद रखते हैं लेकिन जैसे ये आता है तो लोग डर जाते हैं। अब जब ये पता हो संदीप जी कि दोनों मिलकर ये बना देते हैं वो एनओएच के बराबर है, फिर कोई डर नहीं रहेगा। यादव जी कटका सिंह क्लियर हो गया। अब आओ देखें जरा, ये समझ में आ रहा है? एसएन ये भी, एसएन ये भी, सब एसएन के एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखो डीए, देखो समझो सीखो, मेंटेन करो और आगे बढ़ो, और बच्चों से हटके दिखाओ, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे मेरे बच्चों को अलग दिखना चाहिए, नई नई जानकारी उनके पास होनी चाहिए, तो मेरा पढ़ाना सफल होगा। नंबर चार दिखा रहा हूं, देखें भैया लोग उसी से चल रही है रिएक्शन। नंबर चार अब देखना, बदमाशी देखना उन लोगों की, क्या करेंगे, कहेंगे बताओ बहुत ऑर्गेनिक आती है तुमको, बहुत आती है, Ag2O की क्रिया कराओ, सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराओ, वो कहेंगे सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराए, रेड वाला अच्छा है वार्कर। बिल्कुल संदीप जी, बेटा संदीप जी पढ़ाई पर ध्यान दो, जहां समझ में ना आए कोई बात नहीं, बाकी हम ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं संदीप जी, हमें टॉपिक पर बात करनी होती है। ये Ag2O मॉइस्ट लिया जा रहा, मॉइस्ट जानते हो, मॉइस्ट जानते हो, मॉइस्चर, नमी, नमी के मानी थोड़ा सा भिगा लिया डियर, पानी भिगा लिया, अब तो आपकी हालत खराब होगी। सर ये क्या है सर, क्या बनेगा सर, सर ये आप काका ला रहे हो, हम कुछ नहीं ला रहे, आपके सिलेबस की रिएक्शन है और सब एक्शन रिएक्शन है, कान खोल लो। अब देख हालत खराब, परीक्षा पूछते हैं इस क्रिया को कंप्लीट करो, अब लोग बात नेट देखते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, कुछ नहीं आता, और देखो लो मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड बोलते हैं, बोलने वालों की आवाज सुनना आना चाहिए। Ag2O मॉस्ट की मानी वाटर, लो लो देखो, अच्छा तुम भीगे हुए हो, सिल्वर ऑक्साइड तुम भीगे हुए हो, भीगे रहो, भीगे हुए हो ना, तो तुम ट्वाइस AgOH के बराबर हो गए, देख लो हम क्या करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं दो Ag, दो O और दो H, ये तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के बराबर हो गया डियर, डियर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के बराबर हो गया, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड होगा, तो यहां भी कमिंग न्यूक्लियोफाइल OH होगा, और ये भी प्रोडक्ट को एल्कोहल में बना देगा, ये भी ROH आएगा। क्लियर है? नंबर चार में एक से लेके चार तक की क्रियाओं में हमने हैलाइड हटाया है डियर, OH लाए हैं हम डियर, और हैलाइड जो हटा है वो है लीविंग न्यूक्लियोफाइल, और जो OH आ रहा है इस पर निगेटिव चार्ज होगा वो होगा कमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये चार उदाहरण हमने शुरुआत कराए हैं आपके SN रिएक्शन से। सुमन गुप्ता का माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत अच्छा गुड़िया, देखो ये कितने AgOH के बराबर निकला है, दो के, अब बैलेंस करना तो आना चाहिए, तो जब इसको करो सुमन गुप्ता तो बेटिया इसके दो अणु ले लेना इसके लिए, अकेले इसके लिए, तो दो AgOH अलग कर देना डियर और दो एल्कोहल बना देना स्पेशल फॉर दिस, बाकी हम लिख नहीं रहे इसको, बड़ी क्लास में आने के बाद ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं डियर, आप समझ गए होंगे ठीक है ना, क्योंकि और रिएक्शन में एक ही चल रहा है, यहां दो लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर बैलेंस ऐसे कर लेना। संदीप जी अच्छा भाई रेड वाले से अच्छा दिख रहा है, ठीक है लो, रेड खतरे का संकेत होता है संदीप जी, इसलिए मुझे डर लगता है संदीप, रेड से खतरा होता है, रेड से कोई बात नहीं, मैं रेड से दिख रहा हूं आपके लिए, ROH आ गया, एल्कोहल बन गया, अब खतरा मोल मत लो, अच्छी चीज समझो, नई बात बोलनी है ये सब। संदीप जी पहले ये बताइए चारों रिएक्शन समझ में आ गई, कमेंट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखें गौर से डियर, देखें देखें देखें, एक नई बात बोल रहा हूं, सबको सीखना होगा, सबको लिखना होगा,
ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, नई जानकारी दे रहा हूं किसका, शिवम गुप्ता, विराट पाल, अभिषेकर गरहरी। देखे अगर बच्चों कभी किसी क्रिया में कोई भी क्रिया हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी क्रिया हो, और आप एक चीज देखें कि क्रिया होने के बाद एल्काइल हैलाइड का हैलाइड OH में बदल जाए, कोई भी रिएजेंट हो, यहां पर दुनिया तमाम के संसार भर के कोई भी रिएजेंट हो, और आप ये देख रहे हो कि हैलाइड एल्कोहल में बदल जाए। सुन लो बात को। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसी क्रिया को एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन कहते हैं। अरे पूछते हैं वो बोर्ड वाले, जल अपघटन, रेड पेन से लिखना है, भूल गया संदीप जी, हाइड्रोलाइसिस अंग्रेजी होती है। वो पूछते हैं कि एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस बताइए, तो कितने हाइड्रोलाइसिस हो गए, चार पटक दिए हमने, यहां भी हैलाइड एल्कोहल में बदल रहा है, यहां भी हैलाइड एल्कोहल में बदल रहा है, यहां भी हैलाइड एल्कोहल में बदल रहा है, और इससे भी हैलाइड एल्कोहल में बदल रहा है। तो चारों रिएक्शन भैया लोगों, ये चारों रिएक्शन एक नाम से जानी जाएंगी, वो होगा एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस, जिसकी हिंदी होती है जल अपघटन। शिवम गुप्ता, कृपा सिंह, विराट पाल, इस चीज को समझ के याद कर लो। वो पूछते हैं एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वो पूछते हैं एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे संदीप जी? सर, जब एल्काइल हैलाइड के हैलाइड को, संदीप जी सिखा रहा हूं आपको, जब एल्काइल हैलाइड के हैलाइड को किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसी सारी क्रियाओं को हम एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन, अंग्रेजी में हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और ये सारी क्रियाएं एसन क्रियाएं होती हैं। पहले शुरू की चार रिएक्शन एसन रिएक्शन हमारी समर्पित है एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के लिए। हरिओम त्रिपाठी जी, आप देर से जुड़े हैं शायद, लेकिन आप सीखते बहुत अच्छा है, बहुत मैनरफुल बच्चे हैं आप, बहुत अच्छा कमेंट आप करते हैं, बहुत शांति से पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरिओम त्रिपाठी। यस प्रतीक्षा सिंह, बिटिया समझ में आया है, कमल सिंह समझ में आया, कमल सिंह ने तो आज दिल जीत लिया हमारा, बहुत अच्छी बिटिया, बहुत अच्छा सम्मान पाई है, बहुत अच्छा निमिगल किया है। पता, कई लोगों ने तो कई टीचरों से भी पूछ लिया होगा, और टीचर कह रहे होंगे गलत है ये न्यूमेरिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और हुआ है, हमारे बच्चों ने किया है। थैंक्स माय डियर। आइए ध्यान से देखो, इनको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। रीना यादव क्लियर है क्या? आप हाइड्रोलिसिस में थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसको मिटाए दे रहे हैं, फिर और रिएक्शन करेंगे, तो लिख लो, हेडिंग लिख लो एक, इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जल्दी लिखो बच्चे लोगों, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इतनी अंग्रेजी चलेगी बच्चों? और बुरी लग रही हो तो हिंदी में लिख के दे रहा हूं, एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन। एक नंबर का प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न आने लगे हैं बोर्ड में। पहले प्रश्न आता है एसन रिएक्शन क्या होती है। संदीप जी इंपॉर्टेंट सब कुछ है, संदीप जी पूरी ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम कभी नहीं कह सकते कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है। पर जो बच्चे भूल जाते हैं, बार बार भूलने की कोशिश में रहते हैं, उनको हम कह देते कि बेटा ध्यान रखना, ठीक। यस यस यस, कुछ कहा जा रहा है भाई, Ag2O कैसे, क्या लिखते हो तुम लोग, ओ ऐसे बदल जाता है, काहो विराट पाल तुम कहां थे अभी, अभी बताया था ना कि Ag2O से OH में कैसे बदल जाता, बताया था हमने। विराट पाल जी, आप लोग इस लाइव क्लास में तंग करने लगे हो, बताया था अभी हाल, फिर देखो, बरसात का मौसम है, सिल्वर ऑक्साइड के बाद छाता है नहीं है, वो भीग गया, भीगा खड़ा है सिल्वर ऑक्साइड,
जब भीगा खड़ा हुआ सिल्वर ऑक्साइड दिखेगा तो इस तरह से कापेगा वो, देख लो ये कप रहा है वो, देख दो ए जी दो ओ और दो एच, तो जब वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा तो एक्स ओ एच में बदलेगा। लिखे पहले इसकी परिभाषा, लिखे जब किसी भी विधि से, जब किसी भी विधि से एल्काइल हैलाइड एल्कोहल में परिवर्तित हो जाए, तो वो सभी अभिक्रियाएं हाइड्रोलिसिस कही जाती है, ये परिभाषा आप लिख तो रही है, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे साथ ही याद करें। बिल्कुल विकास यादव जी, जिसकी क्लास चलने जा रही है, सर आ गए हैं, एक या दो मिनट के बाद सर आ रहे हैं। पर एल्कलोलाइट का हाइड्रोलिसिस कैसी रिएक्शन है? पहली बात, एसन रिएक्शन है। कोई कहे एल्कलोलाइट के हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल दो, एक दो तीन चार एग्जाम्पल दिए हैं, चारों हाइड्रोलिसिस है। बच्चों समय हो गया है, शरह आ गए हैं, मैं पी के सर को अपनी क्लास दे रहा हूं, आप आगे पढ़िए। और संदीप जी आप ध्यान दें, अभी 12 रिएक्शन पढ़नी थी, चार पढ़ाई है, याद दिलाना, 8 रिएक्शन और पढ़ा के रिवाइज कराऊंगा, फिर डिवाइड करूंगा एसन वन और एसन टू में, और एसन वन एसन टू में डिवाइड करने के बाद फिर मैकलम सीखेंगे। लंबा प्रोग्राम है डियर, थैंक्स टू ऑल। कोमल जी को मेरा पुनः धन्यवाद, पुनः बेटा आशीर्वाद, आपने बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल को पकड़ा है और आपने ध्यान दिया है। इन सब के लिए हमारे और बच्चे भी आपसे सीख लेंगे, अपने दिमाग को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल करेंगे ये बात, और बच्चे भी ध्यान देंगे। ओके एंड थैंक्स।